पहले तो ईद मुबारक. Today is a very auspicious day and I'm really happy that I can be here. Thank you, Cammy ji. सब प्यार से आपको कैमी कहते हैं. But obviously I have to say Kamlesh bhai, but thank you very much. आपने हमें invite किया यहाँ पे. You, your lovely wife, your lovely daughter. Thank you so much for inviting me over here. Rakesh, wherever you are. बहुत अच्छा लग रहा है. 15 साल पहले भी मैं आई थी इसी ballroom में. I'd come here for an event and तभी अक्षय भी था यहाँ पे. And 15 years later, I'm back again in the same ballroom. So बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. The one thing that hasn't changed over the 15 years is I can say the love and the warmth of all you wonderful people in Hong Kong. So stay like that, be like that forever. Thank you for all the warmth that you've shown me. Last but not the least, ये दो कमीनों जो मेरे side में खड़े हैं यहाँ पे, left में मनीष, right में. You guys are unbelievable. जो आप करते हो, I don't think anybody can do it with such. सोच और गालियाँ हमारे लिए हो जाएं. जिस तरह से आप हंसाते हो, जिस तरह से आप आपकी जो एक spontaneity है, एक liveliness है, एक mischievous जो एक smile है आपके चेहरे पे, it really is. It लग रहा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं आपको. यदि looking at each other with so much of love over here. एक्चुअली हम दोनों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है, आप जितनी देर बात करते हो आपका मुंह यूं कैसे रह पाता है? हम इतने खुश हैं. इसे कहते हैं इट्स अ पाउड. यू वांट टू ट्राई इट? मैं कह रहा हूँ आपके पाउड के नीचे बंदा खड़ा हो जाए, बारिश से भीगे ना. अच्छा, मैम यहाँ पर जितनी लेडीज हैं जानना चाहती है कि ये फिटनेस का क्या राज है? मतलब आप उस तो बहुत करती हैं सोशल मीडिया पे सब देखते हैं. कुछ भी कर, लेकिन मुझे पुशअप्स करना मत करना. फिटनेस का थोड़ा राज बताइए, ये सब जानना चाहते हैं. क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट है वो जो यहाँ पर आई थी और उन्होंने सबको बताया कि घी खाओ, चावल खाओ, कुछ नहीं होता. और ये खा खा के बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे. बहुत सारे एक्चुअली उन्होंने कहा घी खाओ, चावल खाओ. हाँ, यहाँ पे लोगों को गलती होगी, वो साथ साथ में घी के डब्बे भी खा गए उनके यहाँ पे. लेकिन ये अच्छा लग रहा है, आप फिटनेस की हम लोग बातें कर रहे हैं, लोगों की प्लेटों में समोसे या टिक्कियाँ पड़ी हैं जो, क्या कहना है उसके बारे में? बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है बहुत लोगों को मन कर उनको भी मौका मिले डांस करने का. अनारकली डिस्को चली. हाँ, लास्ट ईयर में आया था तो बहुत सारी लड़कियाँ थी और लेडीज थी जो यहाँ पर बहुत आपके गानों में बहुत डांस किया था इन्होंने. तो इस बार मेरे ख्याल से कुछ प्रिपेयर करके आए हैं बहुत सारे लोग. और आप लोग भी पीछे बात कर रहे थे कि झलक आने वाला है. हाँ, एंड यू गाइस आर प्लानिंग, हो सकता है कि आप झलक में किसी को यू नो एंट्री दिला दें. हाँ, बिल्कुल. है ना, ऐसा शायद कुछ बात कर रहे थे. किसी में भी बहुत सारे लोगों में टैलेंट है. कौन है यहाँ पे जिसको लगता है उसमें बहुत टैलेंट है? हाँ, नहीं तो हमें खुद ही घसीटने आना पड़ेगा. अपने आप बता दीजिए. हाँ, खुद बता दीजिए. एक मुझे दिख रहे हैं, ये देखो, ये बैठे हैं कहाँ पे, ये जो इशारे कर रहे थे ना आप, जो बोले वो कुंडी. बहुत फैन हूँ, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे और सबको मालूम है. बड़े बट मैं बताऊँ, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं यार. किशोर भाई दो लाइन, किशोर भाई कम ऑन, दो लाइन ज्यादा ना, प्लीज. नहीं तो हम कृष्णा से गाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा. हाँ, अच्छा इनके डांस के बाद. अच्छा नहीं, अच्छा डांस के बाद के में एन एस टैंड इज एन ओपन. अरे ये थैंक यू गॉड वाली कैमी. कैमी वी विल नॉट बी सो पॉपुलर. बैटमैन में हीथ लेजर ने इन्हीं का कर दिया था कभी. ओके, हीथ लेजर का आया था. बंको आइए आइए सर, कहाँ चले गए? अरे सर आइए. हाँ आइए आइए. तो अब हम गाना प्ले करेंगे. मलाइका एक स्टेप करके देखें. जुलू से मुझे वोडाफोन याद है. जुलू था, जुजू था, जुजू वो जुजू था. जुजू बाकी भी अब आपको एक स्टेप दिखाया जाएगा. मलाइका डांस करके दिखाएंगी, आपने स्टेप कॉपी करना है. म्यूजिक. क्या बात है,
so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Manish. Thank you very much. So I thought Harsh is a very dear friend. So I said, "Yar, इससे तो बात करने के लिए मैं खुद personally आना चाहूँगा." So you know, firstly, I did compliment you on your film there. I think it was amazing, Bhavesh Joshi. उससे पहले भी तुमने एक कमाल हटके फिल्म करी मिर्ज़िया. और अब मैं officially सबको बता सकता हूँ कि Harsh एक और फिल्म कर रहे हैं, which is a biopic on Abhinav Bindra. So we have one individual Olympic gold medalist in a country of a billion people. Only one guy to do it. He did it in 2008 in Beijing, actually. He won gold in the 10-meter rifle. So it's the first time that I'm going to do a film with my dad. He's played my father in the film, actually. Wow, that's great. And it's just a very inspirational story about an extremely unique guy. And I just kind of want to bring his story to the world, you know. So that's next. क्या बात है यार, लेकिन एक बात की मैं कमाल की बात बोलता हूँ, हर्ष, हम कई बार डिस्कस करते हैं, यू नो, अनिल सर, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स वी हैव, वन ऑफ द मोस्ट झकास एक्टर्स वी हैव, यू नो, इफ यू वांट, आप भी उस तरह की बात करते, लेकिन तुमने यार बिल्कुल अलग रास्ता चुना हुआ है, ऐसा क्यों यार? Yeah, I think, you know, it's all about following your passion, you know, because you know better than anybody else when you wake up in the morning to go and do something, you want to be excited, very true, very true. You want to be, feel like, I love this, you know, I want to do this for the rest of my life, so I'm in a privileged place and I'm very lucky, so I kind of use that privilege to follow my passion as opposed to doing it for other reasons. So I've had a great time making these two movies so far. I hope all these lovely people here get to see those movies. Now that, you know, there's such a big influx of Bollywood films in this part of the world, I really do hope Bhavesh Joshi especially gets to release and people do get to watch it, because it's a very special film. It is a very special film and we all loved it back in India. And I think यहाँ पे भी अगर release हो तो लोग देखें. जिन्होंने नहीं देखी, trust me, ticket कटाओ, India जाके देख लो यार, इतनी बढ़िया picture है. Really, Krishna, तुम तो कर ही लो. लेकिन Krishna, तुम्हें जाते-जाते time लगेगा. Because ऐसे bus लोगे, जब तक पहुँचो तो time लगेगा. But नहीं, तो train में जल्दी पहुँच जाएगा, तो मैं पार. हाँ, ये भी बात है यार. ये एक काम करते हैं. I think it's time to present the memento to Harsh. So Krishna, पीछे से जाके ले आना यार. अच्छा नहीं, अच्छा, we have somebody. Yeah, जो वो है ना beautiful lady, so we call the beautiful lady. Can we have the beautiful lady coming up on stage? अरे beautiful lady बोला है कौन है? Krishna, यहीं से mic आएगा तुम्हारे पास. Okay, ladies and gentlemen, we are so happy and pleased to have Harshvardhan here. एक छोटी सी disappointment है, एक छोटा dance तो एक man. Call Arjun Kapoor for that. Okay. चुम्मे में चवन प्राश क्या, डांस करने का मन कर गया उसका. Naughty girl. Okay, can I please have you on stage? No. Miss Judy. Say, Shagas! Want to come for that day or also come in? Maybe call Boni Kapoor, tell him no entry 3. Rejoin the cast. Definitely do that, but it's your moment now. Come on, ladies and gentlemen, let's have a big hand. Anything you want to say after receiving this? Yeah, thank you for having me. This is my first time in Hong Kong, actually. So, lovely people. I'm looking forward to getting to know this place. And I think this is going to become a really, really cool place for Bollywood films. You know, I really do, because the kind of infrastructure they have so many cinemas and people love the movies. So, I really want this place to become like a second home in a way, you know. And like how America and London used to be in the 90s and 2000s with all the Shah Rukh Khan films and Salman Khan films. I hope the new innovative movies that we're making, this becomes a big market. So I'm looking forward to more films. Actually, I'm definitely sure that when you make films, Harshvardhan films, Krishna films, Manish Paul films, definitely it's going to happen. But thank you so much, yeah. Thanks. Thank you very much. Thank you, ma'am, for doing your honors. लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूँगा. हर्ष, आपने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिस कर दी. एक साल सा कपल आया है इटली से स्पेशली. तो आप शुरू में आए नहीं थे, तो हम चाहते हैं कि वो आपके लिए हम वो परफॉर्मेंस या स्पीच टू कम डाउन. थैंक यू हर्षवर्धन के लिए, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. ये सर 12वां साल है और किस तरह की तरह कैसा शो रहा आज हमारा? ये 12th ईयर साफ था और दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग शो वी हैव इन हांगकांग. एंड हांगकांग, यू नो, लाइक हांगकांग बिकम अ platform for Bollywood and movie industry
to come and we invite them and we're having a great fun with them with our all the things. So we have a fantastic show. That's अभी सारे governments और सारे जो dignitaries और सारी Hong Kong के audience के सामने हमने ये show किया. We are very happy for that. हर साल ये शो एक नया मुकाम पा रहा है और नया मुकाम अचीव कर रहा है और बदौलत वी हैव वेरी फॉर्चुनेट वी हैव अ ग्रेट मूवी स्टार्स एंड दे आर कमिंग अप एंड डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया दे आर कमिंग सो वी आर वेरी हैप्पी हियर. हमारे पास इस साल में मलाइका अरोरा, कृष्णा, मनीष पॉल, हर्षवर्धन कपूर और बहुत सारे टीवी एक्ट्रेसेस वो दे केम हियर टू परफॉर्म. स्कारलेट विल्सन, सो बहुत सारे परफॉर्मर थे यहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. क्योंकि ये जो पूरे साल में हमारे ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ होती है और उसके जो विनर होते हैं उसको हम यहाँ पे अवॉर्ड देते हैं और हमारे जो फंक्शन में जो लोग आते हैं वो यहाँ के होंगकोंग में जितने भी फंक्शन जो होते हैं उसमें ऐसा क्राउड कहीं भी नहीं होता है. जैसे हमारे जो मेंबर्स है उसमें दिल से इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हैं. उसके अलावा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सब अपने बिजनेस पीपल्स, वो भी मतलब ऐसे कोई भी होंगकोंग में जो भी जितने भी शो होते हैं या प्रोग्राम होते हैं इसमें इतने ऐसे क्राउड बहुत कम मिलते हैं. जी वो हमारा सर्जन चैरिटी फाउंडेशन है तो सर्जन चैरिटी फाउंडेशन जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करता है यदि वो इंडिया में हो या हांगकांग में हो तो हम जैसे बोलते हैं कि मातृभूमि और कर्मभूमि दोनों का हम ऋण अदा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. ये अवार्ड फंक्शन के माध्यम से हम एक तो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बाहर रह के भी हमने एक हिंदुस्तान बना रखा है अपना, जहाँ पे हम अपना हिंदुस्तान को मिस नहीं करना चाहते और अपने देश के साथ अपने लोगों के साथ किसी भी तरह के रीज़न ढूंढते हैं कि कैसे हम लोग उनके साथ जुड़े, चाहे चैरिटी माध्यम हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या ऐसे बड़े अवार्ड फंक्शंस हो. और ये अवार्ड फंक्शंस एक गेटवे है जो चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट के लिए कि जहाँ पे हमारे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ से धीरे 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 बिल्ड हो रहा है. हर साल जो है हांगकांग में ये जो अवार्ड होता है और इसमें मतलब हर साल तरक्की हो रही है शो की, तो क्या लगता है आपको किन किन लोगों को आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं? हम यहाँ पे पहले तो हिंदुस्तान के इंडियंस कम्युनिटी के जितने भी टाइकून्स हैं वो सब इस फंक्शन में अटेंड होते हैं और दूसरा चाइनीज़ टाइकून्स जो है जो इंडस्ट्री लीडर्स है वो होते हैं. प्लस हम यहाँ पे एज अ परफॉर्मर और एज अ गेस्ट और होस्ट हम स्पोर्ट्स पर्सन्स और फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं. तो ये एक ऐसा कल्चरल फेस्टिवल है जैसे एक सब चीज़ों का एक मिला के एक बड़ा फेस्टिवल हम जो करते हैं इस अवार्ड फंक्शन के दरमियान. और सर अभी जो जुलू भाई ने बताया कि और जुलू भाई और ये कृष्णा ने भी बताया, आपने सुना होगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो अपना अवार्ड है वो अवार्ड एनुअल अवार्ड फंक्शन है जो किस मुकाम पे पहुंचा है, वो बोला कि आईफा से बिल्कुल कम नहीं है. तो हमने जो इतने कम साल में उसको इतना हाइट दिया तो वो काबिले दाद है. वो हाँ जी, अगले साल के लिए हमने बेशक तैयारियां शुरू कर दी है क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है तो उसकी तैयारियां हमें प्रीप्लान करनी रहती है. हम अगले साल हमारे जितने भी हिंदुस्तान के मूवीज़ हैं उनके भी एक प्रीमियर्स यहाँ पे प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो चाइना और इंडियन इंडस्ट्री के लिए बनने जा रहा है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली चाइनीज़ पीपल दे स्टार्टेड लविंग दिस मूवीज़ एंड ऑल. सो हम ये प्लेटफॉर्म कर बन और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों से जुड़े इंडिया से, हिंदुस्तान से और सबको बुलाएं और एक बड़ा फेस्टिवल करें. बॉलीवुड
कौन है जो मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहा है। आपको नहीं लगता कि चाइना में अक्षय कुमार की फिल्म हुई और 400 करोड़ का बिजनेस किया है, क्या चाहते हैं आपकी हांगकॉन्ग में भी हिंदुस्तानी फिल्में रिलीज हों और अच्छा बिजनेस हो, लोगों को अच्छा? मैं चाइना मार्केट से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि चाइनीज़ लोग हमारे बॉलीवुड को कितना पसंद करते हैं। तो हमारे माध्यम से ये मैसेज चाइना में ऑफकोर्स जाता है कि कितना प्यार यहाँ से बॉलीवुड से मिलता है। और डेफिनेटली अभी तो ये चाइनीज़ लोगों का प्यार शुरू ही हुआ है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मूवी इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा ही नहीं जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये बहुत ही फैले, वहाँ पे बहुत लोगों को पता चले। और हमने यहाँ पे जैसे हमारे बहुत मूवी प्रोड्यूसर्स और मूवी डायरेक्टर्स, चाइनीज़ मूवी डायरेक्टर्स भी यहाँ पे अटेंड किया था शो, तो उनके माध्यम से उनको भी एक मैसेज है कि भाई ये इंडस्ट्री अभी स्टेप इन कर रही है चाइना मार्केट के लिए। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो मूवीज़ है बहुत अच्छे मूवीज़ बनाते हैं हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स, और एक अच्छे मैसेजेस भी होते हैं हमारे मूवीज़ में। तो हम चाहते हैं कि दोनों ये इंडस्ट्री के मदद से हमारे दो कंट्रीज़ के बीच की कोई दूरियां है या कोई अनबन है वो मिटे, क्योंकि मनोरंजन एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग नज़दीक आते हैं, एक दूसरे में प्यार बढ़ता है। और ये म्यूज़िक और मूवी है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, उसमें सिर्फ प्यार होता है और कनेक्शन होता है। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, जो भी हिंदुस्तान की जनता देख रही है इंटरव्यू, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? अच्छा, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से दो लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मेरे सर्जन ग्रुप की ओर से। एक तो अपनी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को कि हम जो यहाँ इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के स्टार्स हमको कुछ सपोर्ट करें कि जैसे हमारे नेक्स्ट फ्यूचर में अवार्ड होने वाले हैं तो उसमें आए, हमको हेल्प करे, सपोर्ट करे, क्योंकि उसमें उसका भी फायदा होने वाला है। और दूसरा मैसेज है अपने इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को, क्योंकि हम ये अवार्ड में सब कुछ चीज़ें जैसे चैरिटी, दूसरा ये अवार्ड, उसके साथ में हम सब खेलकूद और हेल्थ, जैसे अभी अपने प्राइम मिनिस्टर ने कीप फिट का जो हम फिट इंडिया फिट, तो वो भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, उसमें भी उसका भी अवार्ड रहा है। तो ये अपने स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी हमें सपोर्ट करे और मेरे फ्यूचर अवार्ड में बस वही कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शक, आपके दर्शक हैं जितने भी, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से बाहर एक ऐसे देश में एक ऐसी संस्कृति, इंडियन संस्कृति जो हमने बनाई है, जिसमें हमने हिंदुस्तान को कम नहीं होने दिया है किसी भी माध्यम से। तो हम बहुत प्राउड है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वो प्राउड कैरी करे जो लेगेसी हमारे हिंदुस्तान की है। तो वो हम चाहे किसी भी माध्यम से उनको दे पाए, यहाँ के लोगों से जुड़ पाए, क्योंकि हम जनरेशन से यहाँ पे है और आगे भी रहेंगे। तो ये हमारी एक सोच है कि जो हम लोगों को डिलीवर करें, और ये सोच में हमें हमारी मनोरंजन इंडस्ट्री और हमारे जो चैरिटी इवेंट्स है वो सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड वी आर हियर as an Indian and we are proud and proud to be an Indian. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.